بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال عز من قائل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب انتهائي قابل قدر لائق عزت احترام سامعين محترم اللہ مالک الملک اس آیت کے اندر مخلوق کو ایک پیغام دے رہے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات بلندی رفعت اور مقام اسی کے نصیبے میں ہوتا ہے جو ایمان کو قبول کر لینے کے بعد علمی درجات کو حاصل کرتا ہے. علم جو انسان کی ایک شناخت ہے, آج میں اس علم کے متعلق گفتگو کرنا چاہوں گا جس کی عظمت پہلی وحی سے ہی ظاہر ہے. اللہ مالک الملک نے فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. علم کی بات بھی ہوئی اور علم سکھانے کے دواعی اور جوالب کی بات بھی ہوئی. علم الانسان ما لم يعلم, میں اس علم کی گفتگو کرنا چاہتا ہوں جس علم کا ذوق اور شوق سرتاج رسول کو اتنا نصیب ہوا کہ اللہ مالک الملک کو قرآن مجید اتارنا پڑا. لا تحرک به لسانک لتعجل به, جو علم آسمان سے نازل ہوتا اس کے فوت ہونے کے ڈر سے سرتاج رسول جلدی جلدی جبریل امین کے ساتھ پڑھتے نظر آتے. خالق و مالک کو یہ کہنا پڑا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ, جلدی نہ کیجئے, یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہ علم آپ کے سینے میں محفوظ کریں گے اور اس کی وضاحت بھی آپ کو سمجھائیں گے. میں اس علم کی بات کرنا چاہتا ہوں جس علم کو سیکھنے کے لیے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کو سینکڑوں میل سفر کرنا پڑا. میں اس علم کی بات کر رہا ہوں جس علم کو سیکھنے کے لیے موسیٰ کلیم اللہ کو خضر علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑے. آج ہماری گفتگو کا محور وہ علم ہے جس علم کی بدولت 6 سالہ
ये 8 साल अम्र इब्न सलमा रदियल्लाहु ताला अन्हु इस बच्चे को सरताज रसूल के जमाने में मुसल्ला नबी पे बराजमान होना पड़ा। वो इल्मी था क्योंकि उसको कुरान मजीद की सूरतें बकिया लोगों से ज्यादा याद थी। मैं उस इल्म की बात कर रहा हूं, जमाना 100-100 साल की 14 करवटें ले चुका है, लेकिन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु का नाम जब आता है तो बड़े बड़े मुफस्सरों के कलम रुक जाते हैं, नजरें झुक जाती हैं कि इस मुफस्सर ने, इस हिब्रु हादिहिल उम्मा ने जो तफसीर कर दी है उस पर एतमाद करना पड़ता है इस इलम की वजह से, जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी, अल्लाहुम्मा अल्लिमहु तअवील वफक्किहु फिद्दीन। ए अल्लाह इस सहाबी को, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को तफसीर सिखा दे। ये वो इल्म है जिस इल्म की बदौलत मुआविया बिन दरीर नबी ने मुहद्दिस को वुजू करवाने के लिए खालिक व मालिक ने एक बादशाह को मुकर्रर किया जो उनके हाथों पे पानी डालने को सादत समझ रहा है कि ये वुजू कर लें। उस इलम की बात कर रहा हूं मेरे भाइयों जिससे आज उम्मत इस्लामिया का बेशतर हिस्सा महरूम होता नजर आ रहा है, जिस इल्म की बदौलत हारून और रशीद के दोनों बेटे अमीन और रशीद और मैमून और रशीद फर्रा अपने उस्ताद अपने मुअल्लिम की जूती उठाने पे झगड़ रहे हैं। एक कहता है इसके जूते मैंने उठाने हैं, दूसरा कहता है मैंने उठाने हैं। उस्ताद ने कहा बेटा एक एक उठा लो ताकि दोनों को सवाब भी मिल जाए और दोनों की ख्वाहिश की भी तकमील हो जाए। मैं उस इल्म की बात कर रहा हूं। हज्जाज बिन यूसुफ ने खालिद बिन सफवान से पूछा इस वक्त बसरा में और कूफा में सरदार कौन है? खालिद बिन सफवान ने कहा हसन बसरी। कहा ये मुमकिन है? ये गुलाम बच्चा ये सरदार बन सकता है? कहा मैंने सरदारों को भी देखा, हुसैन वालों को भी देखा, मालदारों को भी देखा, सब के सम घुटने टेक के इसके सामने बैठे होते हैं, सरदार तो फिर ये हुआ। मैं उस इलम की बात कर रहा हूं मेरे भाइयों। अता इब्न अबी रबाह रहिमहुल्लाह जिसकी सवाने हयात को जब खोलते हैं तो लफ्ज नजर आते हैं अमा नबी ने तो थे, आरज लंगड़े थे, अफ्तस चिपटी नाक थी, अस्वद काले थे, लेकिन पूरे अर्दे हिजाज के मुफ्ती थे। सुलेमान बिन अब्दुल मलिक हज के मसाइल पूछने आया, अता इब्न अबी रबाह जवाब देने के बाद दूसरे लोगों के सवालात के लिए मुतवज्जे हुए, अपने दोनों बेटे साथ थे, कहते हैं ला तनिया फिल इल्म, मेरे बेटो ये इलम सीखो, देखो बावजूद मेरी गवर्नरी के इस शख्स ने किस तरह मेरे साथ मामला किया है, हम इस काले से इंसान के सामने कैसे जलील हुए हैं। इसको अल्लाह ने अजमत दी है तो इस इलम की वजह से दी है। मैं उस इल्म की बात कर रहा हूं जिस इल्म की वजह से अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसल्ला का नायब 13 मरतबा बनाया गया। आज कहते हैं कि नबीना इसकी क्या बात है, लेकिन इल्म की वजह से अल्लाह ताला ने यह मुकाम नसीब फरमाया। कुरान मजीद में अल्लाह मालिकुल मुल्क फरमाते हैं यसअलूनक माज़ा उहिल्ला लहुम
قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. اور یہ بات سمجھنے والی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتے ہیں ماذا احل لهم, حلال کیا ہے؟ قل احل لكم الطيبات, پاک چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں. وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. اس آیت کے ترجمے سے پہلے اس آیت کی گہرائی اور گیرائی کو چیک کیجئے. اللہ کی مخلوقات میں سے کتا بھی ایک مخلوق ہے. اگر کتا برتن میں منہ ڈال دے تو برتن کو پاک کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ بولے, اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنه بالتراب اولاهن وفي روايه اخراهن. کتا یہ اللہ کی مخلوق ہے, اگر کسی برتن میں منہ ڈال دے, زبان سے چاٹ لے, وہ برتن اس وقت تک قابل استعمال نہیں جب تک اس کو کتنی مرتبہ نہ دھویا جائے؟ سات مرتبہ. یہی کتا. من اقتنا کلبا الا کلب صید او ماشیہ فکأنما نقص من اجره قیراطان. ذوق کی بنیاد پر یہی کتا گھر میں رکھا جائے, لا تدخلہ الملائکہ, ایک تو رحمت کے فرشتے وہاں تشریف نہیں لاتے, اور دوسرا ہر دن دو احد پہاڑ جتنی نیکیاں اس شخص کی ضائع ہو جاتی ہیں. پہلے تو یہ بات طے کیجئے کہ دو احد پہاڑ جتنی نیکیاں ہیں کس کی. ہاں, شکاری کتا جانوروں کی رکھوالی کے لیے, حدیث کے الفاظ ہیں الا کلب صید, وہ شکاری کتا وہ انسان رکھ سکتا ہے, لیکن ذوق کی بنیاد پہ یا مغربیت سے مرعوب ہو کر یا مشابہت کرتے ہوئے اس جانور کو گھر میں رکھا جائے, فرشتے کا نزول نہیں ہوتا, دخول نہیں ہوتا, اور دو احد پہاڑ جتنا اجر ضائع ہو جاتا ہے. لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ ابن القیم رحمت اللہ علیہ نے ایک دقیق نقطہ اس آیت سے اخذ کیا ہے کہ وہ کتا برتن میں منہ ڈال دے تو سات مرتبہ دھونا پڑے, وہی کتا گھر میں رکھو دو احد پہاڑ جتنا اجر ضائع ہو جائے. وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. اسی کتے کو تم سکھا دو علم, تعلمونهن تین کلمے سکھا دو, جب شکار کے پیچھے چھوڑو تو یہ بھاگ پڑے, جب روکو تو رک جائے, اور شکار مالک کے لیے کرے خود نہ کھائے. یہ سدایا ہوا کتا کیا خیال ہے جب خرگوش کو پکڑتا ہے دانت لگتے ہیں اس کے کہ نہیں؟ بولے, دانتوں سے پکڑتا ہے یا دم سے؟ خون بھی نکلتا ہوگا. ایک طرف زبان برتن میں لگی ہے, سات مرتبہ دھونا پڑا, گھر میں رہا تو اجر ضائع, لیکن علم کے چند کلمات اس نے سیکھے سمجھ لیے. قرآن کہتا ہے اس کا کیا ہوا شکار حلال ہے. ابن القیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کتے کا شکار اس لیے حلال ہے کہ اس کو چند کلمے علم کے سکھائے گئے,
अगर अशरफुल मखलूकात इल्म सीख ले इंसान तो कयामत को इसका कितना बुलंद दर्जा होगा। और साथ ये कहते हैं अगर कुत्ता इल्म सीखे तो उसका शिकार तो हर मुसलमान के लिए खाना जायज है, और अगर इंसान इल्म सीख ले तो इस इल्म की वजह से जो माल उसके पास आए वो कैसे हलाल नहीं हो सकता। इस इल्म की वजह से ये अजमत है। और अल्लाह मालिकुल मुल्क ने इसीलिए फरमाया यरफ़ाउल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। बुलंदियां अल्लाह उनको देते हैं, मुकाम व मर्तबा कयामत को उनको नसीब होगा। रिफ़तें अल्लाह ताला ने उनके लिए रखी हैं जिन्होंने ईमान को कबूल किया और फिर इल्मी दरजात हासिल किए। इल्म है क्या ये बात भी समझना जरूरी है। इल्म का मतलब है जानना, पहचानना, इदराक करना। मारिफत का नाम इल्म है। किस बात को पहचानना? अपने रब को पहचानना, अपने हादियों मुर्शिद को पहचानना, और जिंदगी गुजारने का ढंग तरीका और सलीका दीन इस्लाम को पहचानना, ये इल्म है। और उलमा ने इसकी तारीफ क्या की है, इदराकु शैई बिहकीकती, किसी चीज की हकीकत को पहचान लेना ये इल्म है। जिस बंदे को पता ही नहीं है मेरा खालिक कौन है, मेरा राजिक और मालिक और कादर मुतलक कौन है, उसके पास क्या इल्म। जिसको इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि हादी और मुर्शिद अल्लाह ने किसको बना के भेजा है, इल्म कौन सा है। जो दुनिया जहान की डिग्रियां हाथ में थामे हुए है और उसको ये पता नहीं कि इस्लामी तालीमात क्या है, जिंदगी गुजारने का जो तरीका जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया है वो क्या है, उसके पास कौन सा इल्म है। इसलिए उलमा ने तारीफ के साथ एक लफ्ज का इजाफा किया है, हुवल यकीन औ हुवा नूरुन यक्ज़िफुहुल्लाहु फिल क़ल्ब। इल्म तो रोशनी का नाम है, उस यकीन का नाम है जो रोशनी और यकीन जिस दिल में आ जाए फिर उसकी जिंदगी भी रोशनी वाली हो जाती है, कब्र में भी रोशनी होगी और कयामत के दिन भी आगे पीछे नूर ही चलता नजर आएगा। इल्म वो है जिससे तकर्रुब इलाही नसीब हो, जिससे इंसान अल्लाह के करीब हो जाए। वो कौन सा इल्म है, कुरान मजीद का इल्म है। कुल्लुल उलूम सिवा कुरान मशगला इल्ला الحديث والفقه في الدين। कुरान मजीद का इल्म, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का इल्म, और इन दोनों की फहमो बसीरत, ये इल्म है जिसकी रोशनी में इंसान सफर करता है तो अल्लाह का तकर्रुब मिलता है। बहुत सारे ज़हनों में ये सवाल पैदा हो रहा होगा कि बाकी सारी चीजें क्या हैं, ये बायोलॉजी है, ये मैथ है, ये फन है। और फन किसको कहते हैं, फन का अरबी जुबान में माना ये है मुजयन करना। इंसान ये सारी चीजें दुनिया की सीखता है अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए, मुजयन करने के लिए। फन الرجل فن الدين, उसने कर्ज को टाल दिया, ये अपनी जिंदगी के मामलात को टालने के लिए सारी चीजें सीखी जाती हैं। फन्नल इबिला, ऊंट को हांकना, अपनी जिंदगी की गाड़ी को धक्का लगाने के लिए फन सीखा जाता है। इस फन से तकर्रुब इलाही नहीं मिलता। हां अगर उसके पास इलम भी है फिर फन भी उसने सीखा है तो ये फन इलम की रोशनी में चलता है तो फिर तो ये भी तकर्रुब दे सकता है। इफ्तन फी खुसूमती,
और फन में हमेशा झगड़े में तवस्सो होता है। और सच्ची बात यह है, जिन्होंने 16-16 साल तालीम पे लगाए होते हैं, तालीम के नाम पे सीखा फन होता है, और कहने वाले ने अच्छा कह दिया, कहने लगा क्या पढ़े हो, कहते हैं मास्टर किया हुआ है। कहते जब आपने बैचलर किया था तो सुभान रब्बी अलआला कितनी मरतबा पढ़ते थे सजदे में, कहते 3 मरतबा। तब मास्टर कितने साल में किया, कहते 2 साल में। अब कितनी मरतबा पढ़ते हो सुभान रब्बी अलआला, कहते 3 मरतबा। कहा तेरी 2 साल मेहनत ने 3 से 4 मरतबा सुभान रब्बी अलआला तो ना किया। मिश्कात की रिवायत उमर बिन अब्दुल अजीज की जो है कि 10 मरतबा पढ़नी चाहिए, तेरी इबादत में तो इस मेहनत ने फर्क ना डाला, हां उन कागजी चीजों में फर्क जरूर आया होगा कि लेवल बुलंद हुआ है, उतनी तनख्वाह में इजाफा हो गया होगा। तकर्रुब इलाही उस वक्त आता है जब कुरान का इलम सीखा जाए, जब अल्लाह के रसूल के फरमान को सीखा जाए। ये बाकी सारे के सारी चीजें फन हैं, ये उस वक्त फायदेमंद होती हैं जब इंसान के पास असल नूर हो, असल रोशनी हो, असल इल्म हो। तो फिर अंबियाए किराम ने तिजारत भी की है, अंबियाए किराम में से नज्जार भी थे, अंबियाए किराम में से खयात भी थे। देखिए इदरीस अलैहिस्सलाम खयात थे, और एक टांका लगाते हर टांके पे सुभान अल्लाह कहते नजर आते, क्योंकि गालिब क्या है, दीन गालिब था, इल्म गालिब था। इसलिए मेरे भाइयों, इससे ये मकसद न समझ लेना कि स्कूल की तालीम और दीगर तालीमा सीखनी नहीं चाहिए, नहीं, बल्कि अल्लाह हिम्मत दे मुसलमानों को कि हर फन में PhD करें, लेकिन इन सब PhDयों से पहले कुरान और सुन्नत के इलम को सीखें। असल चीज को भुला कर नहीं, वो सीखने के बाद तुम अगर जो भी कुछ सीखोगे अल्लाह मालिकुल मुल्क को तुम्हारे लिए नेमत बना देंगे। और इस बात में जमूद भी नहीं होना चाहिए। मैं बात को थोड़ा सा और खोल दूं, मजीद क्लैरिफिकेशन कर दूं। एक वक्त था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौरात का वर्क देखा, गुस्से में आ गए, फरमाया वा मुतहविकून अंतुम या इब्न अल खत्ताब, उमर रजी अल्लाह तआला कुरान के बाद तौरात का वर्क। लेकिन एक वक्त आ गया जब यहूदी इब्रानी और सुरियानी बोलने वाले आते और गुफ्तगू करते, उनका ट्रांसलेटर अरबी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करता, और इनकी गुफ्तगू को इब्रानी सुरियानी में यहूदियों के सामने पेश करता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टैलेंटेड सहाबा को बुलाया जिनमें सरे फहरिस्त ज़ैद बिन साबित रजी अल्लाह तआला थे, कहा तअल्लम किताब अल यहूद फइन्नी ला आमनुहुम अला किताबिना, सीखो इनकी किताब। इधर एक वर्क पसंद नहीं आया, जब ईमान की निखरी शक्ल पेश करने के लिए, इस्लामी तालीमात को निखरा हुआ पेश करने के लिए जरूरत पेश आई, ज़ैद बिन साबित से कहा कि इब्रानी और सुरियानी सीखो। और वो भी अल्लाह के फजल से कितने ज़हीन थे, फरमाते हैं फतअल्लमतुहा फी 15 यौमन, मैंने इब्रानी और सुरियानी के रेगुलेशंस 15 दिनों में सारे याद कर लिए। अब ये इब्रानी सुरियानी क्यों सीखी, ताकि इस्लामी तालीमात उनको बताई जाए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों ये बात कही, इन्नी ला आमनुहुम अला किताबिना, कुछ पता नहीं ट्रांसलेटर ट्रांसलेशन करते वक्त गलत बयानी ना कर जाए, इस्लाम को निखरी शक्ल में आगे पहुंचना चाहिए। इसका मफहूम क्या निकला, मफहूम ये निकला अगर दीनी इलम है, असल इल्म है, उसके बाद अगर इंग्लिश भी सीखते हो तो सीखना भी भाई से सवाब बन सकता है। इस नीयत से सीखा जाए कि इस्लाम को नफा पहुंचे, इस्लाम की सुप्रीमेसी साबित हो, इस्लाम की अजमत हो। लेकिन सुवे इत्तेफाक है लोग इसलिए नहीं सीखते,
लोग इसलिए सीखते हैं फन रजुलू के अपनी जिंदगी को मुजयन कर लें। आज इस इल्म की तौहीन की वजह से जो असल इल्म है मुसलमान महरूमियों का शिकार है। क्यों शिकार है महरूमियों का? क्योंकि इनको असल इल्म से शगफ नहीं रहा, असल इल्म से दूरी हो गई है, इसलिए कि वो आम से लोग हैं। और असल इल्म सीखता ही वो है जिसने ये जहन बना लिया होता है कि मैंने कयामत के दिन सरताज रसूल की सफ में खड़े होना है। इसलिए गिव एंड टेक का अमल करना पड़ता है, कुछ कुर्बानियां इसके लिए देनी पड़ती हैं। आज मैं और आप अपने बच्चे को जब 6 साल का होता है ओ लेवल करवाने के चक्कर में तो होते हैं, कुरान नहीं पढ़ाते। वजह क्या है? इसलिए कि हमें इस इल्म पे यकीन नहीं रहा। हम पाकिस्तान और हिंदुस्तान में लॉर्ड मैकाले के बूट पॉलिश करने के लिए औलादों को तैयार करते हैं, मोहम्मद मुस्तफा के दीन की गुलामी के लिए तैयार नहीं करते। इसलिए होल्ड भी तो उनका ही है। जब जहनों पे वो इल्म सवार है जो फन है, तो फिर आमाल पे वो इल्म की रोशनी कैसे नजर आए? वो तकर्रुब इलाही और उसके इनामात और समरात कैसे नजर आए? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शरीफ फरमाया था, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल मुस्लिम। ये इल्म अल्लाह की मारिफत, उसके रसूल की मारिफत, दीन इस्लाम की मारिफत, ये हर मुसलमान पर फर्ज है। क्योंकि कब्र में सवाल ही 3 होने हैं। पहला सवाल कौन सा है? मर रब्बों का, तैयारी तो उसी की करनी है ना। दूसरा सवाल है मन नबियों का। तीसरा सवाल है मां दीनों का। चौथा सवाल अभी तक शायद रिसर्च का दौर है, आ गया हो किसी किताब में। किसी किताब में आपने पढ़ा या सुना है कि कब्र में ये पूछा जाएगा मां डिग्रियों का, तेरी डिग्री कौन सी है? सारी दुनिया धुत है इस सवाल की तैयारी में। सवाल 3 होने हैं, रब कौन है तेरा और हादियो मुर्शिद कौन था और दीन कौन सा है। लेकिन मैं और आप किस तैयारी में लगे हुए हैं कि कहीं फरिश्ते ने अगर पूछ लिया तो मेरी मास्टर की डिग्री ना निकली, बनेगा क्या? हालांकि उसके बारे में तो सवाल ही नहीं होना। इसलिए असल डिग्री ये है। कौन सी डिग्री? चले मदीने की गलियों में और उसके कदमों की आहट जन्नत में सुनाई दे। जुलैबीब रजी अल्लाह तआला हो, जिसको कोई रिश्ता और निकाह देने के लिए तैयार नहीं है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उज़व्विजु का या जुलैबीब, जुलैबीब तेरी शादी कर दूं? मुस्करा के कहते हैं इज़न तजिदुनी कैसीदन, और मुझसे सस्ता भी को आप पाएंगे दुनिया में? रंग मेरा काला है, मुझसे भी कुछ सस्ता है? फरमाया जुलैबीब कैसी बातें करते हो, अंत इंदल्लाहि गालिन, तुम अल्लाह के यहां बड़े महंगे हो, तुम अल्लाह के यहां बड़े महंगे हो। अल्लाह के यहां ये रंग ढंग नहीं है, अल्लाह के यहां ये है कि सीने में तड़पने वाला दिल किसके लिए तड़पता है, सीने में उठने वाले जज्बात किसको राजी करने के लिए मचलते नजर आते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक घर पैगाम भिजवा दिया, वो बड़े खुश हुए कि सरताज रसूल का पैगाम आया है। पैगाम लाने वाला कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिए नहीं तलब किया, जुलैबीब के लिए तलब किया है। माँ बोल के कहती है दुनिया में सारे मर्द चले जाएं तो फिर भी जुलैबीब के साथ अपनी बेटी का निकाह नहीं करूंगी। मिवरा इससे फिर पर्दे के पीछे बेटी बैठी है, कहती है तरुद्दान रसूल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरताज रसूल ने अगर भेजा है ना उसको रद्द ना करो, अल्लाह जाया नहीं करेगा। ये जिसके पास खाने को कुछ नहीं है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को कबूल किया गया, जब निकाह हुआ तो हाथ उठाए दुआ कर दिया, اللهم صب عليهم الخير صبا صبا ولا تجعل عيشهم كدا كدا, अल्लाह इन पे बरकत जो है वो नाजिल फरमा, कूट कूट के इनको बरकतों से भर दे और इनकी फकीरी को तोड़ के रख दे। एक वक्त आया कि इस बंदा मोमिन जिसके पास खाने को कुछ नहीं,
इसके दस्तरखान पे मदीने के अशराफ और बड़े बड़े खानदान खाना खाते नजर आए। सईद बिन मुसैयब को यही बात थी, आज मुझे और आपको याद नहीं रहती। जब उनके पास वक्त के गवर्नर ने पैगाम भेजा कि अपनी बेटी का निकाह दे दो, इसका वजन करो, जितना इसका वजन होगा उतने हीरे जवाहरात ले लो, कहा नहीं करूंगा निकाह। क्या हुआ, एक शागिर्द एक दिन हाजिर नहीं हुआ, दूसरे दिन आया, पूछा बेटा कल नहीं आए? कहा बीवी अल्लाह के पास चली गई है, वालिदैन पहले नहीं थे। कहा सबक पढ़ने के बाद मेरी बात सुनना। साथियों को बुलाया और बेटी का निकाह उस शगीद के साथ कर दिया। लोगों ने कहा क्या किया तुमने, ये चंद दिन आपके पास पढ़ने वाला इसके साथ बेटी का निकाह कर दिया? कहा मैं कयामत को अल्लाह से कहूंगा खालिक मालिक तेरी रिजाक के लिए मैंने इलम को बुलंद किया है, आज उतनी बुलंदियां मुझे जन्नत में अता कर दे। फिर जब निकाह हुआ घर चले गए, चंद दिन ठहरने के बाद जब वापस क्लास में आने लगे तो बीवी ने पूछा कहां जा रहे हो? खामिद कहता आपके अब्बा से पढ़ने जा रहा हूं। कहा परेशानी नहीं, तशरीफ रखिए, अब्बा के सीने में जितना इल्म था उसने मुझे सिखा के भेजा है, बाकी इल्म मैं तुम्हें सिखाऊंगी। आज मेरी और आपकी तरबियत के ये जाविये नहीं है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने किस इल्म को बुलंद किया? इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह जब उनके पास तशरीफ लाए तो खाना मामूल से ज्यादा खाया। मशहूर ये था कि उस्ताद मोहतरम तहज्जुद गुजार हैं और खाना बहुत थोड़ा खाते हैं। वो इब्रीक, वो बर्तन जिसमें पानी था तहज्जुद के लिए वुजू करने के लिए, भी उसी तरह पड़ा है। सपोर्ट के पूछते हैं खाना किसने पकाया था? कहा मेरी बेटियों ने पकाया था। कहा वो हाफ़िज़े कुरान है? कहा जी हाँ। कहा इतना लजीज खाना आज तक नहीं खाया, एक लुकमा खाता था, जी चाहता था चलो एक और ले लूं, उसमें इतनी लज्जत आती, कहता है एक और ले लूं, इसी तरह करते करते बहुत खाना खा गया हूं। कहा बेटियों की आदत भी ये है, जब खाना पकाती हैं तो कुरान मजीद की मंजिल शुरू कर देती हैं, उधर खाना पक जाता है उधर पांच बारे मंजिल मुकम्मल हो जाती है। फर्क है मेरे और आप में और उन लोगों में। आज की बेटी मौसीकी लगा के डाइजेस्ट खोल कर और अखबार जहां और वक्त जहां के चंद सफे खोल के साथ साथ चम्मच हला रही है, इस हाथ से पके हुए खाने में बरकत कैसे आए? इस हाथ से पके हुए खाने के अंदर अल्लाह मालिक उल मुल्क कुव्वत कैसे डाले? वो लोग थे जिन्होंने इस इल्म को हासिल किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही फरमाया कि हर एक पर वाजिब है वो इल्म सीखे, इसलिए इल्म तो खुराक से भी ज्यादा जरूरी है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं الناس الى العلم احوج منهم الى العلم من الطعام والشراب لان الرجل يحتاج الى الطعام والشراب في اليوم مره او مرتين وحاجته الى العلم بعدد انفاسه। कहा लोगों को इल्म की ज्यादा जरूरत है, खाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। पूछने वाले ने पूछा वो कैसे? कहा खाना तो दिन में एक दो मरतबा ही खा सकता है, 24 घंटे तो नहीं ना खा सकता, लेकिन इलम की जरूरत तो हर सांस के साथ है कि ये सांस जो मैं ले रहा हूं, जितने सांस हैं इस सांस में मैंने अल्लाह को याद कितना किया और ये सांस कैसे निकल रहा है, यकीन करना पड़ेगा, ना जाने अगला सांस आना है कि नहीं आना, यही भी इलम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए फरमाया منومان لا يشبعان طالب علم وطالب دنيا। दो ऐसे हैं जो कभी सेर नहीं हो सकते। मनुमान, दो ऐसे हैं जिनकी भूख दुनिया में खत्म नहीं हो सकती। एक इलम वाला जब तक उसको मौत न आ जाए उसकी लज्जत और हलावत इतनी होती है कि वो इलम को छोड़ नहीं सकता, शर्त यह कि उसने अल्लाह की रजा के लिए सीखा हुआ हो। वो तालिब दुनिया, और एक दुनिया वाला जिसके पास मालो दौलत की रेल पेर है,
इस कर्रो फर को देख के वो शेर नहीं होता। लौकान इब्न आदम वादियान मिन ذهب لابتغى ثالثا, दो वादियां अगर सोने की मिल जाएं तो कहता है तीसरी मिले तब मजा है। मोटरसाइकिल वाला गाड़ी की खास में बैठा है और गाड़ी वाला जहाज की खास में बैठा है, लेकिन ये सारी चीजें यहां छोड़ के चले जानी हैं, साथ जाना है तो इस इलम नहीं जाना है। लेकिन इसका बिल्कुल ये मकसद ना समझिए कि दुनिया को भूलना चाहिए। कुरान कहता है वला तंस नसीबक मिन दुनिया واحسن كما احسن الله اليك, دنیا کے حصے کو مت بھولو۔ انبیاء بھی نہیں بھولے, صحابہ کرام بھی تجارت کرتے تھے لیکن اصل ہدف سے تجاوز نہیں کرتے تھے۔ کیسا ہدف؟ رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة, نماز کا وقت ہو گیا, یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ مسلمان کی دکان کھلی رہے؟ اللہ اکبر کا مطلب اللہ ہی بڑا ہے, پھر دکان بڑی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کا مطلب اللہ ہی بڑا ہے, ڈیوٹی بڑی نہیں ہے۔ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ماذا عن ذكر الله وإقام الصلاة, نماز اور ذکر سے غافل نہیں ہوتے, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تربیت صحابہ کی ایسے کی۔ اس لیے میرے بھائی علم دولت سے بھی قیمتی چیز ہے۔ یحیی بن کثیر فرماتے ہیں میراث العلم خیر من الذهب, سونے کی وراثت مل جائے اس سے بہتر علم کی وراثت ہے۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ۔ وراثت ملی سلیمان کو داؤد علیہ السلام کی, داؤد علیہ السلام کے بیٹے اور بھی تھے, ان کا نام کیوں نہیں قرآن نے ذکر کیا؟ کیونکہ اصل وراثت علم کی وراثت ہے۔ اور جو لفظ آئے ہیں نا وَأُوتِينَا وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ, ہمیں اللہ نے ہر چیز دے دی ہے, جب علم آ جائے تو پھر ساری چیزیں اللہ نکیل ڈال کے سامنے لا کے کھڑے کر دیتے ہیں۔ دنیا مرغومہ ہو جاتی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں ایک بات بیان کی ہے, وہ کیا ہے؟ وَأَوْحَا إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ اسی شخص کا قرآن مجید میں نام آیا ہے, اللہ الہام کر رہے ہیں تو شہد کی مکھی کو الہام کر رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ علم سیکھی ہوئی مکھی ہے۔ کل الذباب فی النار الا النحلہ, ساری مکھیاں جہنم میں جائیں گی, شہد کی مکھی جنت میں جائے گی۔ کیونکہ علم کی روشنی میں خیر خائی برتنے والی یہ مکھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تم نے علم سیکھا, تم نے اس علم کو قبول کر لیا, خیر خائی تیرے اندر موجود ہے, اب میرے انعام بھی لے لو۔ کیا فرمایا؟ ان اتخذی من الجبال بیوتا, اور جاؤ پہاڑوں پہ گھر بنانا ہے تو پہاڑوں پہ بنا لو۔ ومن الشجری, تم چاہتی ہو تو درختوں پہ اپنی کوٹھی بنا لو۔ ومما یعرشون, تمہیں نہیں زیادہ اونچا رہنا پسند تو کسی عام چھپر میں ہی اپنا گھر بنا لو۔ ساتھ کیا فرمایا؟ ثم کلی من کل الثمرات, میں رب تمہیں کہتا ہوں کل الثمرات,
जितने फल मैंने बनाए हैं सारे तेरे सामने पड़े हैं, जहां से चाहो रस चूस लो। आज बड़े से बड़ा मालदार भी सारे फल अपने घर में नहीं रखता। ये बात समझने वाली है। इलम की वजह से सारे फलों को अल्लाह ने पेश कर दिया उसके लिए। लेकिन कुलू मिन अत्तय्यिबाति वअमलु सालिहा, इलम वाला जब कोई खाता है हलाल माल खाता है तो अमल भी अच्छे करता है। फसलों की सुबुल रब्बिकी ज़ुलुला यख्रुजु मिन बुतूनिहा शराब मुख्तलिफुन अल्वानु फीहि शिफाउन लिन्नास। हलाल चीजें खाती है, शहद मक्खी निकालती है, जिसमें अल्लाह ने शिफा रखी है। इलम वाला जब इलम सीखता है, जब ये जुबान से गुफ्तगू करता है, अमल दिखाता है, तो कितने लोगों के दीन में शिफा आ जाती है, कितने लोगों की गलत आदतें खत्म होके सही आदतें आ जाती हैं, सेहत मिल जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को ये इलम सिखाया। और इलम मेरे भाइयों सीखना ये इबादत है। हम इसको समझते हैं कि ये तो वक्त जाया करने वाली बात है। मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते थे, तलबुल इल्म इबादा तअल्लमुल इल्म फइन्न तअल्लमहु हसना व तलबुहु इबादा व मुज़ाकरतुहु तस्बीह वल बहसु अन्हु जिहाद। इलम सीखो, इसका सीखना नेकी है, इसकी तलब करना इबादत है, इसका मुजाकरा करना, एक दूसरे से याद करना और पूछना और बताना, ये तस्बीह है, और इसकी खोज लगाना जिहाद है। बल्कि अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला उन्होंने तो बात ही खत्म कर दी। वो कहा करते थे, لأن أعلم باب من العلم من أمور ديني أحب إلي من سبعين غزوة، 70 غزوں سے مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ میری زندگی کی اصلاح ہو جائے، میں علم کا ایک باب سیکھ لوں۔ اور ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے بھی بڑی بات کہہ دی، من رأى أن العدو إلى العلم ليس بجهاد فقد نقص علمه ورأيه عقله ورأيه۔ جو یہ کہتا ہے کہ علم سیکھنا یہ جہاد نہیں، اس کی عقل بھی ناقص ہے، اس کی رائے بھی ناقص ہے۔ اور حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، لن أتعلم مسألة لن أتعلم بابا من العلم احب الی ان تکون لی الدنیا کلها فی سبیل اللہ، ایک دینی باب سیکھنا مجھے زیادہ پسند ہے کہ پوری دنیا کا میں مالک بن جاؤں، پھر میں اس کو اللہ کی راہ میں خرچ بھی کر دوں، وہ مجھے ثواب ملنا ہے میں خرچ کروں گا، وہ میرا مال ہوگا جس کا مجھے حساب دینا پڑے گا، لیکن ایک باب جو سیکھوں گا نہ جانے کتنے سینکڑوں ہزاروں لوگوں کی جنت درست ہو جائے گی۔ فرق ہے۔ اصل وراثت علماء انبیاء کی علم کی وراثت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، العلماء ورثة الانبیاء فإن الانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درہما وإنما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر۔ اس حدیث کی شرح علم رکھنے والوں کو ضرور پڑھنی چاہیے۔ اب اللہ کے رسول نے فرما دیا ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، انہوں نے درہم و دینار وراثت میں نہیں چھوڑا، اس لیے علم والوں کو درہم و دینار کے چکر میں پڑھنا بھی نہیں چاہیے۔ وراثت جب مل گئی ہے علم کی، تو پھر وہ وراثت تو علم کی آئی ہے، درہم و دینار کی وراثت تو آئی نہیں، ملے گی کیسے؟ یہ سودا ہے، یہ اخروی سودا ہے میرے بھائیو، وہ سودا جس سے قیامت کے دن رفاقت نبوی نصیب ہوگی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فضل العالم علی العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب،
एक आलिम की आबिद पर इतनी फजीलत है जितनी चांद की फजीलत चौदहवीं रात में सितारों पर होती है। इबादत जिसके लिए पैदा किया गया इंसान, तहज्जुद गुजारी, जिक्र अज़कार, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू ज़र से फरमाया था लअन तग़दुवा وتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي مئة ركعة, एक अल्लाह के कुरान की आयत सीखो फिर सिखाओ और अमल करो, ये इससे बेहतर है कि अकेले तुम 100 रकतें पढ़ लो। 100 रकतें मामूली बात नहीं है। इब्ने माजा की रिवायत है لأن تغدو وتعلم سورة من كتاب الله खैरुल्लक अन तुसल्ली अल्फ रकअ, हजार रकत भी पढ़ लो तो ये सूरत उससे अफजल है, इसलिए कि वो रकतें सिर्फ तेरे लिए हैं, जो सीखोगे तुम और फिर लोगों को सिखाओगे हजारों लोगों की जन्नत का बायस बन जाओगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फज़ल आलिम अल आबिद के फज़ली अला अजनाकुम, मेरे सहाबियों जिस तरह मेरी फजीलत तुम पे है इस तरह एक आलिम की फजीलत आबिद पे है। इसीलिए अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया करते थे ये रोशनी की किंदीलें चलती फिरती हैं, शर्त यह किसी को समझ आ जाए। जब वो इलम वालों को देखते तो तुलबा को देखते कहते मरहबन बि नबी अल हिकम व मसाबिह अज़-ज़ुल्म खिलकान सियाब جدد القلوب حبس البيوت ريحان كل قبيله, मैं खुश आमदेद कहता हूं जो तारीकियों में रोशनी का किरदार अदा करते हैं, मैं उनको खुश आमदेद कहता हूं जो गुमराहियों में हिकमत और दनाई फैलाने वाले हैं। लिबास तो फटे पुराने हैं, घरों में और मस्जिदों में बंद तो बैठे हैं लेकिन के दिल बड़े ताजा है। ريحان كل قبيله और कबाइल की पहचान ही इलम वालों की वजह से है। यहां इस्लाम की अजमत को बयान करते हुए एक नुक्ता आपके सामने रख दूं, खानदान में एक बंदा आलिम बन जाए ना, एक, सारे नहीं, एक बंदा, उस खानदान में कोई भी फौत हो ना, इतने नेक लोग उसके जनाजे में आ जाते हैं कि अगर उनसे वादे भी लिए जाएं और न जाने कितना माल भी खर्च किया जाए तो कोई उनके घर ना आए, लेकिन वो नेक लोग उसके जनाजे पे आते हैं जिस खानदान का एक बंदा पड़ा हुआ हो। दीन जो उसकी बख्शिश की दुआ के लिए आते हैं, जिस एक बंदे से दुआ करवाने के लिए कितने लंबे सफर करने पड़ते हैं, ये उस अल्लाह की रहमत है, इस इलम की बदौलत जिसको आज हम गुम कर बैठे हैं। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों मरने के बाद भी ये इलम ही काम आएगा। اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث من صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولدا صالحا يدعو له, जब इंसान दुनिया से चला जाता है तो उसके सारे आमाल मुनक़ित हो जाते हैं, लेकिन तीन चीजों के अमल जो है नेकियां उसको पहुंचती रहती हैं। من صدقه جاريه, एक सदका जारिया उसने किया, او علم ينتفع به, या ऐसा इल्म उसने छोड़ा जिससे नफा हासिल किया जाता है, कोई कैसेट रिकॉर्ड कर दी, बच्चों को पढ़ा दिया, किताब लिख दी, कोई भी ऐसा सिलसिला जिसके इल्म से नफा लिया जाए, او ولد صالح يدعو له, या उसने नेक औलाद छोड़ी जो उसकी बख्शिश की दुआएं करती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबउन युजरा लिल अब्दी व हुवा फी कब्रिही मिन बादी मौती, सात काम ऐसे हैं कि मरने के बाद उसको नेकियां उसकी पहुंचती रहती हैं। मन अल्लम इल्मन व नशरा, जो किसी को इल्म सिखा देता है और उसकी नशर व इशाअत करता है, किताबें छपवा दी या इशाअत का कोई भी ऐसा रास्ता को जाविया उसने इख्तियार कर लिया, इल्म सिखा नहीं सकता उसकी नशर इशात कर सकता है, लेक्चर दे नहीं सकता, किताब और सुन्नत पे मबनी किसी दर्स को रिकॉर्ड करके तकसीम तो कर सकता है, किताब लिख नहीं सकता लेकिन एक अकीदे के मुतालिक, सीरत के मुतालिक
और दीन इस्लाम की अजमत के मुतल्लिक किताब खरीद के उसको तकसीम तो कर सकता है। अल्लाह सुबहानहु व तआला इस बात की हर एक को तौफीक अता फरमाए। औ नहरन अजरा, नहर खुदवा दे, व फी रिवायतिन हफर बिरा, कुआं खुदवा दे, औ गरस नखला, खजूर का दरख्त लगवा दे, औ वर्रस मुसहफा, अपनी विरासत में कुरान मजीद का नुस्खा छोड़े। आज तक किसी ने विरासत में नुस्खा नहीं मांगा, कहते हैं फलां प्लॉट चाहिए और फलां चाहिए। आज तक आपने नहीं सुना होगा कि फलां बंदे ने कहा मेरे अब्बा का कुरान मजीद मेरे हिस्से में आना चाहिए। औ मस्जिदन बना, मस्जिद बनवा दे, औ बैतन लिबनी सबीली बना, या किसी मुसाफिर का घर बना दे, औ सदकतन अखरजहा फी सिहती व हयाती, या ऐसा सदका जिसने सेहत की हालत में जिंदगी में ही निकाल दिया, बाद में तो सारा लोगों का ही है। यकूलुल अब्द माली माली, बंदा कहता है मेरा माल, मेरा बैंक बैलेंस, मेरे मुरब्बे और मेरी प्रॉपर्टी। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इसका माल तो है ही तीन चीजें, माँ कलफाफना, जो खा लिया और हजम कर लिया, औलबी सफा अबला, जो पहन लिया बसीदा कर लिया, औ आता फक्तना, जिसने अल्लाह की राह में दे के जन्नत खरीद ली, वमा सिवा ज़ालिका फहुवा ज़ाहिबुन व तारिकुहु लिन्नास, बाकी जितना माल है ये तो जाने वाला है और झगड़ा करने वाले वारिस ये होते हैं, ये तो फारिग हो जाता है। जितना भी अकलमंद दर्जी दुनिया में बैठा हो, कोई भी खयात कफन को जेब नहीं लगाता। के लगाता है आप कह के भी देख ले, नहीं लगाएगा। इंसान के साथ सिर्फ तीन चीजें जाती हैं, कौन सी? يتبعوا الميت ثلاثة أهله وماله وعمله। अहलो याल जा रहे हैं, माल दौलत प्राडो की शक्ल में, गुलामों की शक्ल में और मतह तो खादिमों की शक्ल में। فيرجع اثنان ويبقى معه واحد وهو عمله। कब्र तक की जाते हैं, अहलो याल भी चार पे खाली लेके वापस आ जाते हैं, गाड़ियां भी वापस आ जाती हैं, खच्चर घोड़े भी वापस आ जाते हैं। रहता है तो अमल ही साथ रहता है जो इल्म की रोशनी में होता है। इस नुक्ते पे तवज्जो करनी चाहिए। अल्लाह मुझे और आपको इसकी समझ अता फरमाए। आज मैं और आप अपने चेहरे की रौनक और खूबसूरती को हासिल करने के लिए क्या कुछ करते हैं और दुनिया क्या करती है? दुनियावी खूबसूरती को पाने के लिए क्या कुछ करता है? अपने घर में कैसी सजावटें करता है? क़यामत के दिन खूबसूरती किससे मिलेगी? नद्दर अल्लाहु मरअन समिअ मक़ालती व वआहा व अद्दाहा कमा समिअहा। फरमाया मेरे सहाबियों, एक हदीस जिसने याद कर ली मुझसे सुन के, फिर उसी तरह आगे पहुंचा दी, क़यामत के दिन उसका चेहरा चमक रहा होगा, सरसब्ज़ो शादाब होगा। इस इलम की वजह से क़यामत को रोशनियां मिलेंगी। इसलिए इमाम अहमद बिन हम्बल ने बड़ी बात कह दी, मन फातहुल इल्म वक्त शबाबिही फकब्बिर अलैही अरबअन लिवफातिही। जो नौजवान है और ताज़ा खून गर्दिश कर रहा है उसकी रगों में, फिर भी इलम नहीं हासिल करता, उसको चार पाई पे लटा के चार तकबीरें पढ़ दो, उसकी जिंदगी का क्या फायदा है? من فاته العلم وقت شبابي فكبر عليه اربعا لوفاتي। और साथ क्या कह दिया? لا يطلبن العلم الا بادل ذكر وليس يبغضه الا المخانيس لا تعجبن بمال سوف تتركه انما هذه الدنيا مواريث لا يطلبن العلم الا بادل ذكر। इस कुरान और सुन्नत के इल्म को हासिल करने वाले बतल होते हैं। ये दिल गुर्दे की बात है कि बहुत सारी चीजों की कुर्बानी दे के जन्नत का सौदा करना पड़ता है। वलैसा युबगिदुहु इल्ला मखानिसु, इस इल्म से बुग्ज वो रखता है जो मुखन्नस होता है, हिजड़ा होता है और बुजदिल होता है। ला तअजबन बिमालिन सौफ तत्रुकुहु, उस माल पे घमंड न करो जिसको तूने छोड़ के चले जाना है, तुम चाहोगे भी तो साथ नहीं ले जा सकोगे। फ़इन्नमा हाज़िहिद्दुनिया मवारिसु,
ये सारी की सारी विरासत ही बन जानी है जिसके जमा के लिए इंसान कोशिश करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो शान वाले लोग हैं जिनको अल्लाह इल्म की दौलत दे देते हैं। इन्नल मलाइका लतदउ अजनिहतहा लितालिब अलइल्म रिदम बिमा यतलब। आज बड़े से बड़ा बादशाह एक कालीन बिछाए जाते हैं, बड़े से बड़ा बादशाह है उसको क्या क्या प्रोटोकॉल दिए जाते हैं, लेकिन इलम सीखने वाला जो है उसके लिए फरिश्ते पर बिछाते हैं। और कितने कितनी ही अच्छी बात कहने वाले ने कह दी, इसलिए इलम सीखने वाले में तकब्बुर नहीं आता। हकीकी इलम जिसके पास है उसके अंदर तवाज़ो होगी, क्योंकि उसको पता है मैं परों पे चल रहा हूँ, फरिश्तों के परों को तकलीफ ना हो, इसलिए वो अकड़ के नहीं चलता। बल्कि वो उस दरख्त की मानिंद बनता है जिस दरख्त को फल लग जाए तो उसकी टहनियां झुक जाती हैं, लोग फल तोड़ लेते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहां तक फरमाया, मन सलक तरीकन यल्तमिस फीहि इल्म सहलल्लाहु बिही तरीकन इलल जन्नत। जो इलम सीखने के लिए निकलता है अल्लाह उसके लिए जन्नत के रास्ते को आसान कर देते हैं। और अल्लाह मालिकुल मुल्क ने इलम वालों की अजमत बयान किस अंदाज से कर दी, फरमाया وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما। الله نے تجھ پہ کتاب و حکمت نازل کی और तुम्हें इल्म सिखाया, ये बहुत बड़ा फजल तुम पे कर दिया है। पूरा कुरान पढ़ लीजिए, किसी बात में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं कहा गया कि और मांगिए। अगर और मांगने का हुक्म आया तो सिर्फ एक बात में, वक़ुर रब्बी ज़िदनी इल्मा। मेरे प्यारे पैगंबर कह दीजिए अल्लाह मुझे और इल्म दे। अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ी अल्लाहु ताला ने सुबह की नमाज के बाद इसे क्या कहते, रब्बी ज़िदनी इल्मन व फहमन व तक्वा। अल्लाह इल्म भी दे, फहम भी दे और फिर तकवा भी नसीब फरमा दे। और ये कुरान का फैसला है कि तकवा इल्म के बाद ही मिलता है। जाहिल मुत्तकी नहीं बन सकता क्योंकि उसको अल्लाह की मारिफत ही नहीं है। तकवा और खशियत इलाही इल्म से मिलती है। إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ। खशियत उन लोगों को मिलती है जो हकीकी इलम सीखते हैं और सीखते भी अल्लाह की रजा के लिए हैं। याद रखना, इलम सीखते वक्त नीयत का भी दखल है। इलम कुरान और सुन्नत के ही बंदा सीख ले और मकसद ये हो के लिए सरीफा वजूह अन्नास इलैहि के लोगों को अपनी तरफ मायल करूंगा और मजालिस में फख्र करूंगा, तो ये इलम भी उसके लिए वबाले जान बन जाता है। सिर्फ ये मकसद हो मैंने रब की मारिफत हासिल करनी है, मैंने पैगंबर की अदाओं को अपनी जिंदगी में लाना है, मैंने दीन की सरबुलंदी करनी है, फिर इस इलम से बढ़ के कोई नेमत नहीं है। इसलिए अल्लाह सुबहानहु व तआला ने उन इलम वालों को अपने नाम के साथ उनका नाम रखा है, शहीद अल्लाह अन्नहु ला इलाहा इल्लाहु वल मलाइकतु व उलुल इल्म क़ाइमन बिल क़िस्त हकीम। अल्लाह इस बात के गवाह हैं। अल्लाह फरमाते हैं मेरी गवाही के साथ फरिश्ते भी गवाह हैं और फरिश्तों के साथ इलम वाले भी गवाह हैं कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है।
ये इबादत के लायक अल्लाह को मानना इल्म की रोशनी में है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें इस इल्म से हम किनार फरमाए और हमें तौफीक दे हम अपनी औलादों को ये इल्म सिखाएं कुरान और सुन्नत का, ताकि हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। मेरी और आपकी जिम्मेदारी क्या है, मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं। आज मैं और आप इल्म की बरकत क्यों नहीं ले रहे? 5 बातें आज भी हम अगर अल्लाह से तौबा करके शुरू कर लें तो इल्म की बरकत आ सकती है। सबसे पहली बात, जिम्मेदारी यह है कि उलमा का एहतराम करो। आलिम को चाहिए कि अपने कौलो फेल में तजाद ना लाए, और सीखने वालों को और लोगों की जिम्मेदारी क्या है कि उनके एहतराम में जर्रा बराबर कमी ना करे। सही बुखारी में अम्मार इब्न यासिर की रिवायत है, वो फरमाते हैं सलासुन मन कुन फीही फकद जमा अल ईमान कुल, 3 खसलते जिसमें आ जाए उसने पूरी ईमानियात को जमा कर लिया। बदलु सलाम लिल आलिम, जहां इल्म वाला नजर आए उससे सलाम लेने को सआदत समझा जाए। आज बदलु सलाम लिल आलम, दुनिया के लिए सलाम बोला जाए, आज कोई सलाम लेने के लिए तैयार नहीं होता। आज वो वक्त आ गया है, एक वो वक्त था कि इमाम शाफी जब इमाम मालिक से पढ़ते, किताब सामने होती तो किताब का वर्का बड़े आराम से बदलते, ले अल्लाह यस्मा वक़ाहा, कि इस जल्दी से बदलने से मेरे उस्ताद को आवाज पहुंचे, कहीं वो खलल ना उसको पड़ जाए। इमाम शाफी अपने उस्ताद के सामने बैठ के पानी नहीं पीते थे एहतराम की वजह से। आज हम किसी को उस्ताद समझते नहीं है। सुफियान कहा करते थे इज़ा तअल्लमत हर्फन फकुंत अब्दल्ला, जब तुमने किसी से एक हर्फ सीख लिया है तुम उसके गुलाम बन गए हो। लेकिन आज हम सारा कुछ उलमा से सीख लेते हैं और कहते हैं कि जूतियों तले रौंदा भी जाए तो इन्हीं को ही जाए। सबसे पहली बात, एहतराम में कमी जिस दिन से आई है, और इब्न कय्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने सही कहा था कि दीन 2 चीजों से आया है, या मस्जिद से या मस्जिद वाले से आया है। जिस दिन मस्जिद वाले से नफरत होगी आधे ईमान से फारिग हो गया, जिस दिन मस्जिद से नफरत हो गई तो पूरे ईमान से फारिग हो गया। और हकीकत भी यह है कि जब से हमने इन 2 चीजों के तकद्दस को नहीं समझा, इलम वाले के और मस्जिद के, उस वक्त से अल्लाह हमें इज्जत कैसे देगा। बज़लु सलाम लिल आलिम, आलिम को सलाम करना, उसका एहतराम करना ये जिम्मेदारी है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत सारे दिलों में बहुत सारे सवालत मचल रहे होंगे, लो सारे उलमा को एक जैसे होते हैं हो सोच रहे होंगे, अब कुछ लोग तो ऐसे सलाम करने के लायक नहीं है। आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप अपनी खैर को ना छोड़िए। अगर कौल ऑफ फेल में किसी का तजाद है तो उसका हिसाब मैंने और आपने तो नहीं देना, उसने देना है। अकीलू ज़बिल हैयात यासरातिहिम, ये छोटी मोटी बातों पे गौर नहीं किया करते, देखते हैं कि मैं जो सीख रहा हूं वो ठीक सीख रहा हूं। इसलिए सलफ जब सीखने जाते तो उस्ताद के पास बैठने से पहले पहले बाहर एक दुआ पढ़ते थे, जो हमने कभी दुआ पढ़ी नहीं सीखी भी नहीं है। क्या कहते, اللهم استر عيب معلمي عني, ऐ अल्लाह मेरा उस्ताद है तो इंसानी, इसकी कमियों कोताहियों को मुझसे छुपा के रखना, कहीं मेरे दिल में इसके बारे में नफरत ना आ जाए। ولا تذهب بركة علمه مني, और इसको जो अल्लाह तूने शान दी इल्म दिया है उसकी बरकत से मुझे महरूम ना करना। लेकिन आज क्या होता है, हम ये सोचते हैं कि गलती कब नजर आए ताकि इसके ग्राफ को तो गिराया जाए। जब से ये दुनिया में आई है हर 2 लफ्ज पढ़ने वाला उठ के तान करना शुरू कर देता है, देखा उलमा ने क्या किया है। उलमा ने क्या करना था, उलमा तो बयान ही कर सकते हैं, उलमा ने क्या करना है, उससे आप करवाना क्या चाहते हैं, वो आपको कुरान और सुन्नत ही बता सकते, उनकी जिम्मेदारी ये है। इन अलैका इल्लल बलाग, पहुंचाना है, और उनकी जिम्मेदारी क्या है।
अगर इंसान ये ख्वाहिश करे कि हर मेरी ख्वाहिश के मुताबिक उलमा चलने लग जाए तो ये नहीं हो सकता। इसलिए सलफ की रिवायात को जिंदा करो, एहतराम में कमी नहीं आने दी। इमाम नसाई की नसाई लिखी हुई पढ़ते हैं ना, उस्ताद नाराज हो गया, दरवाजे के बाहर बैठ के पढ़ रहे हैं और क्या कहते हैं, कुरिया अलैहि व अना अस्मा, फलां पे पढ़ी जा रही थी और मैं सुन रहा था। इमाम नसाई कहते हैं गए नहीं है, कहा उस्ताद को छोड़ के नहीं जाऊंगा। उस्ताद गुस्सा कर लेते हैं। और डाकू और डॉक्टर में फर्क होता है, डाकू खिंजर मारता है खून निकलता है, दर्द भी होती है, या गोली मारता है हसद और बुग्स की बुनियाद पे। डॉक्टर उसको जब ऑपरेट करता है अगर इंजेक्ट ना करे तो दर्द तो होगी, खून भी निकलेगा, लेकिन मख़फ़र में पर्चा डाकू का कटवाया जाता है, डॉक्टर का नहीं कटवाया जाता, फर्क है दोनों का। इसलिए आलिम और आम इंसान की सरजरश में फर्क है, आलिम और आम इंसान के तआमुल में फर्क है, आलिम और आम इंसान के तकद्दस में फर्क है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात समझा दी थी जो आज मुझे और आपको समझ नहीं आती। हम कहते हैं हम आजाद हैं, हम जिस पे चाहें गुफ्तगू कर सकते हैं, कर सकते हैं जरूर, लेकिन मोमिन जो होता है वो अपनी जुबान की हिफाजत जरूर करता है। वो क्या करता है, वो अच्छा पैगाम भी देता है लेकिन किसी की इज्जत को मजरूह नहीं होने देता। वो क्या करता है, मौका तलाश करता है कि मैं खैर की बात कैसे पेश कर सकूं। वो दुनिया के सामने खड़े होके जिल्लत की राहें नहीं खोलता और मुतनफर नहीं करता। और याद रखना राज ये भी समझ ले, सहाबा को गाली देने वाले कुरान पे इतराज क्यों करते हैं, इसलिए कि कुरान में अगर शक पैदा हो गया तो पूरा दीन इस्लाम तो है ही कुरान में, जब किताब ही तशकीक का शिकार होगी इस्लाम कैसे बचेगा। सुन्नत को क्यों नहीं मानते गलत अकायद वाले, क्योंकि पता है कि अगर इसको मान लिया मुस्तशरीकीन ने तो फिर हर आदत को दुरुस्त करना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा फितना है जो इस वक्त दुनिया में है कि उलमा के खिलाफ बोलना, मायूसियां दिलाना ताकि लोग उलमा से मुतनफिर हों, दीन तो आया ही इनके जरिए से है। और मैं समझाना चाहूंगा अगर आप नाराज ना हो तो, अगर आपने, हर कौम की अकदार होती है, हर कौम के रवाज होते हैं, इस्लामी अकदार वलीमा निकाह अकीका, इस्लामी अकदार के बारे में अगर आपने मालूमात लेनी हो तो कहां से लेंगे, बोले उलमा कहां तैयार होते हैं, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटियों में, क्लबों में, मसाजिद में होते हैं। मैं इस्लामी अकदार कह रहा हूं, और कहने वाले ने तो बड़ी बात कह दी थी, इस इन उलमा के मुतालिक जुबान खोलने वालों को तो कुलो वाला भी नहीं आती पूरी, और बात करते हैं अगर ये आलिम दो कलमे ना पढ़े 10 बेटों का भी बाप बन जाए उनकी निस्बत किधर करेगा। दूसरी बात, आखिर अल्लाह सुबहाना हुआ ताला ने निजाम बनाया है चांद का, ये सूरज का, ये दिन और रात का निजाम है, निजाम फलकियात है, जो एक आयत के गिर्द पूरा निजाम फलकियात चक्कर काट रहा है। ये लाखों मील गैलेक्टिक सिस्टम जो है, वसख्खर लकुमुल लैल वन्नहार वश्शम्स वल्कमर, इस आयत का तवाफ करता नजर आता है। बताइए अगर रोजा रखना हो, ईद की खुशी मनानी हो, बगैर किसी आलिम की तस्दीक के रोजा रख सकते हैं? रोयत हिलाल कमेटी में कौन बैठता है, एसएचओ को बिठाते हैं कि डीएसपी को, कौन बैठता है? उलमा बैठते हैं, समझते हैं कि ये आदिल है। तीसरी बात, जुडिशरी का निजाम पूरी दुनिया में कायम है। अगर आप कहें अदल का निजाम हो और हो किताब और सुन्नत के मुताबिक, ये जुडिशरी का निजाम सीखा किन से गया है, कौन है सिखाने वाले? उलमा कहां तैयार होते हैं, मसाजिद में होते हैं। किसी कौम के नौजवानों को जो करीम होती है उनके जज्बात को उभारने के लिए और उनको कौम का सरमाया और असासा बनाने के लिए लाइब्रेरी का एक बहुत बड़ा किरदार है और ऑर्गन्स का बहुत बड़ा किरदार है और उनको मोटिवेट करने के लिए तंजीमों का बहुत बड़ा किरदार है। इस वक्त दुनिया के अंदर जो इस्लामी लाइब्रेरियों के मालिक या उन पे बैठने वाले कौन है, बोले ये ऑर्गन्स, ये मुजल्लात, ये अगर महीने के बाद निकालते हैं
कि करंट इश्यूज पे बहस करते हुए उनको सही डायरेक्शन दुरुस्त करने के लिए ये काम कर रहे हैं, उलमा कर रहे हैं। दुनिया के अंदर हर शख्स चाहता है कम्युनिटी सिस्टम हो, कोई बादशाह भी आ जाए मस्जिद में तो उसको सब में खड़ा होना पड़ता है, खड़ा होना पड़ता है कि नहीं। इससे बढ़ के कम्युनिटी सिस्टम कहां है जितना मस्जिद के अंदर है। और ये मस्जिदों के अंदर अगर नमाजें पढ़ाते हैं और अगर दीन की बात बताते हैं तो कौन बोले? हम समझते नहीं है कि इसका किरदार क्या है। पूरा हफ्ता मीडिया कंटेनर भर भर के गलाजत के फेंकता है, लेकिन आफरीन है हफ्ते के बाद फूलों की टोकरी अगर पेश करने के लिए हाजिर खिदमत होता है तो कौन है? ये खुशबू से मुअत्तर कौन करता है? और दुनिया में एक सर्वे रिपोर्ट, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बता देता हूं, कितने फीसद इस वक्त खुतबा जो है वो मिंबर के बराजमान होते हैं? 99% मसाजिद और मदारस से पड़े हुए खतीब हैं, 1% बाकी बचता है वो भी मुबालगा है। इसलिए दीन के ऊपर गुफ्तगू करते वक्त, उलमा पे तान करते वक्त ये जरूर सोचना चाहिए कि हमने क्या किया है। आज हम जिंदा हैं दीन के नाम पे तो इन उलमा की मेहनतों से जिंदा है, इन मसाजिद और इन मदारिस की मेहनतों से आज हमारा दीन बाकी है। दुश्मन को इससे ज्यादा नफरत क्यों है? उसको पता है कि यही तो फैक्ट्रियां हैं। कभी किसी हुकूमत गैर मुस्लिम ने किसी फैक्ट्री को कहा कि ये बंद कर दी जाए? क्यों जी बोले? आखिर कंपटीशन होता है और कहते हैं हम भी अगर बना रहे हैं टेक्नोलॉजी तो ये भी टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, ये बंद होनी चाहिए क्योंकि हमारी मार्केट जो है वो आलमी मंडी में हमारा वकार मजरू होता है। वो किसको बंद करने के पीछे है? मस्जिदों को। सबब क्या है? उनको भी पता है कि जब तक मस्जिदें आबाद हैं दीन खत्म नहीं हो सकता। और याद रखना, कहने वाले ने यह बात भी सही कही है कि जब दुश्मन इस्लाम हर्बी ताकतों में नाकाम हो गया तो उसने फिक्री ताकत को सामने ला के उलमा के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया और समझ गया कि अब कामयाबी मिल जाएगी, लोगों का एतबार रहेगा नहीं, लोग बात मानेंगे नहीं, ला महाला तौर पे हमारी बात मानी जाएगी। अल्लाह मुझे और आपको उलमा का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। सही बुखारी की रिवायत बताती है पूरा ईमान जमा हो जाता है, हालात जैसे भी हों जब अल्लाह के दीन की बात आ जाए, अल इन्फाक फिल इक्तार, माल ज्यादा है ये थोड़ा है, जब हिम्मत है तो उसके देने में बुखल ना करें। सही बुखारी खोल के पढ़िए। सहाबा को अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मेरे सहाबा सदका करो। कुछ सहाबा ने सदका के कुछ कहते हैं, अल्लाह के रसूल थोड़ी सी इजाजत मिल जाएगी, खैर की इजाजत, हमें जाने की इजाजत दी जाए। बाजार गए, कुल्ली बने, अपने कमर पे बोझ उठाए, जो चंद दिरमो दिनार मेरे लाके सदका कर दिया। और साथ सहाबी कहते हैं आज हमारे पास हालत यह है कि 100 लाख दिनार है और हम सदका नहीं करते। ये सही बुखारी की रिवायत है, इत्तेफाक से मुल्क भी उसमें बैठे जिसमें दिनार का ही रिवाज है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात सहाबा को समझाई थी। और तीसरी बात, बज़लु सलाम अलालिम वल इन्फाक फिल इक्तार। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी बात समझाई है कि उलमा के एहतराम के साथ दीनी मसले में रुजू उलमा की तरफ किया जाए। इन्नहु लम यंज़िल अल कुरान लियुकज़्ज़िब बअदुहु बअदा वलकिन युसद्दिक बअदुहु बअदा फमा अरफ्तुम मिनहु फअमलु बिह वमा जहिलतुम मिन्हु फरुद्दूहु इला आलिमी। अगर तुम्हें किसी बात का पता है तो अमल कर लो, नहीं पता तो अलल टप ना लगाओ, अटकल पच्चू ना लगाओ, ना ऐसे लोगों की तरफ जाओ जिनको इलम का पता नहीं, उलमा की तरफ रुजू करो। और मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, फर्क है उलमा का और आम लोगों का, फर्क है उलमा का और वाइजीन का, फर्क है उलमा का और किस्सा गो का। इलम का मतलब, उलमा का मतलब है कुरान और सुन्नत की दलायल की रोशनी में बात करने वाला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में अन रजुलन शुज्जा फी रासी,
उसके सर पे चोट आई, फहतलम, उस पे गुसल वाजिब हुआ, पूछता है मैं तयम्मम कर लूं? क़ीला मा नजिदु लका रुख़्सा, कहते हैं कोई रुख्सत नहीं है, आपको गुसल करना पड़ेगा। फ़ग़तसल फ़मात, उसने गुसल किया, फौत हो गया। फलम्मा अख़बर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब खबर मिली, फरमाया क़तलूहु क़तलहुमुल्लाह, इन्होंने इसको कत्ल किया है, अल्लाह इनको कत्ल करे। इन्नमा शिफाउल अय्यि सुआल, जब इनको पता नहीं था उन्होंने पूछ क्यों नहीं लिया। जब इस्लाम ने इस बात की इजाजत दी है कि मौत का अगर डर है तुम तयम्मम कर सकते हो, इन्नमा यकफीही अन यफअलहा कदा, उसके लिए इतना ही काफी था तयम्मम करके नमाज पढ़ लेता। इन्होंने गलत फतवा दे के उनको कत्ल किया है। जब किसी मसले का पता ना हो तो उलमा से रजू किया जाए, और तीसरी बार जब उलमा से रजू किया जाए तो फिर अपनी अकल के घोड़े ना दौड़ाए जाए, झगड़े तक ना जाया जाए। जो बात कुरान की आलिम बयान कर दे, जो हदीस पेश कर दे, उसके आगे को गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। इसलिए अल-मिरा'उ फिल इल्म युक़स्सिल क़ल्ब व यूरिसुज़ ज़ग़्न, दिल पत्थर होते ही उस वक्त हैं जब इल्मी झगड़े होते हैं, और कदगने और बुग्ज़ व अदावत पैदा ही उस वक्त होती है जब इंसान इस बात में झगड़े पे उतर आता है। कुरान आया है, ठीक है जी, हदीस की बात आ गई है, ठीक है। अगर कुरान और हदीस पेश नहीं की पेश करने वाले ने, उससे हम्बली रिक्वेस्ट कर दी जाए, कुरान और सुन्नत की रोशनी में मुझे मसला बता दीजिए, नहीं बता सकता खामोश हो जाए, झगड़े की तरफ नहीं जाना। चौथी बात, उलमा से बुग्ज़ न रखा जाए। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह को 2 साल अल्लाह ने मौका दिया हुकूमत करने का। 99 में वो बादशाह बने, 101 में दुनिया से चले गए, और पूरी दुनिया में अदल कायम कर गए थे। और पता क्यों किया था, कभी किसी ने राज नहीं बताया। आज हर शख्स कुर्सी के चक्कर में फिरता नजर आता है कि मैं किसी तरह कुर्सी पे बैठ जाऊं। ये वो उमर बिन अब्दुल अजीज है जिनको बादशाह बनाया गया, मुंह लपेटा हुआ है और रोते नजर आए हैं। पूछने वाले ने पूछा, बादशाह बन के रो रहे हो? कहा, तुम्हें क्या पता है, दजला के किनारे पे अगर कोई भूखा मर गया तो उमर बिन अब्दुल अजीज को क्यामत को खड़ा कर दिया जाएगा, तुम ये छोटी जिम्मेदारी समझते हो। जब उन्होंने बादशाही संभाली तो सबसे पहला काम ये किया था, भाइयों फिर सुनो, तारीख की वर्ग गिरदानी करो, उलमा को इकट्ठा किया था, कहा 7 उलमा मुझे दे दो। उन 7 उलमा जो चोटी के उलमा थे उनको बैठा लिया, कहा मैं चाहता तो नहीं कि मैं बादशाह बनूं, लेकिन तुमने मेरे ऊपर जिम्मेदारी डाल दी है, अब मैं बादशाह कैसे करूंगा? 7 उलमा से मुखातिब होकर कह रहे हैं, हम रोजाना बैठा करेंगे, दीन की रोशनी में हुकूमत करेंगे, मेरी मजलिस में बैठकर कोई शख्स गीबत नहीं करेगा। पाबंदी देखिए, आप उलमा हैं, लेकिन मैं गुजारिश करता हूं कि मेरी मजलिस में बैठ के कोई गीबत नहीं करेगा, एक बात। दूसरी बात, कोई किसी की बात को बुरा महसूस नहीं करेगा, उसका सही माना समझेगा। और तीसरी बात, मेरी मजलिस पे बैठ के कोई कह कहा लगाकर हंसेगा नहीं। कहा, हुकूमत तुमने चलानी है, मैं आपका दस्तेबाजू हूं। 2 साल हुकूमत की और पूरी दुनिया में अदल कायम किया, किस तरह? इलम की रोशनी में। आज हम इस बात को भूल गए हैं, इसलिए वो कहा करते थे, इन इस्तफात अन तकून आलिमन फकुन आलिमा, लोगों अगर तुम्हारे पास ताकत है तो उलमा बनो, फइल्लम तस्ततअ फकुन मुतअल्लिमा, आलिम नहीं बन सके तो सीखने वाले बन जाओ, फइल्लम तकुन मुतअल्लिमा फअहिब्बहुम, तुम सीखने वाले भी नहीं तो उलमा से कम अज कम मोहब्बत ही कर लेना, फइल्लम तुहिब्बहुम फला तुबग़िदहुम, अगर तुमने मोहब्बत नहीं उनसे कर सकते तो फिर बुग्ज भी ना करना, अगर तुमने बुग्ज कर लिया तो समझ लो ईमानी तौर पे तुम मुर्दा हो जाओगे। आखिरी बात, उलमा की गीबत से बच जाएं, आज भी वकार व इज्जत अल्लाह हमें दे सकता है। कैसे? कुरान मजीद का हुक्म ये है,
किसी की गीबत ना करे, और गीबत करना अपने भाई मुर्दा भाई का गोश्त खाना है। इमाम नवी इसलिए कहा करते थे, इन्नल हुमल उलमा मस्मूमा, उलमा के गोश्त बड़े जहरीले हैं। गोश्त से मुराद क्या है? इनकी गीबत बड़ी जहरीली है। मन शम्म मरिदा व मन अकल माता, जो उलमा का गोश्त सिर्फ सूंघ लेता है वो ईमानी तौर पे बीमार हो जाता है। यानी जो इनकी गीबत करने का इरादा ही करता है ना, और इस तरह के अजम करता है, वो ईमानी तौर पे बीमार होना शुरू हो जाता है। वमन अकल मात, और जो उलमा की गीबत कर लेता है, इनका गोश्त खा लेता है, वो ईमानी तौर पे मर जाता है। हकीम पे एतमाद हो तो पुड़िया असर करती है। जिस आलम से नफरत कोई कर रहा है, उसके बताए हुए दीन पे चलेगा कैसे इंसान? उसकी पुड़िया पे असर कैसे होगा? इसलिए वो फरमाते हैं कि अल्लाह सुबहाना हुआ ताला का ये कानून भी है, वादतुल्लाह फी हद की अस्तर मुंतकिसीहिम मालूमा। जिसने फिर उलमा के बारे में जुबान खोली है ना, अल्लाह का कानून भी बड़ा सख्त है। इमाम नवी रहमतुल्लाह अली के जमाने में एक शख्स उलमा के बारे में बड़ा बोलता था, फलम्मा माता इंदल लिसानहु वस्वद, मरता गया जुबान बाहर आ गई और काली हो गई। लोगों ने कहा, अल जज़ाउ मिन जिन्स अल अमल, जैसा अमल था वैसा बदला दुनिया में ही पा लिया है। वमन अطلق لسانه في العلماء بالسلب ابتلاه الله بموت القلب قبل موته بموت القلب, جب اپنی زبان کو بے دریک کھول دیتا ہے علماء کے متعلق, مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو مردہ کر دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ صحیح کہا کرتے تھے, اذا لم یکن العلماء اولیاء فمن یکن, اگر علماء بھی اللہ کے ولی نہیں ہیں تو کون ہے پھر؟ اور میرے علماء سے مراد کون ہیں؟ جو علم والے ہیں, جو عمل کرنے والے ہیں, جن کو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے۔ اولیاء اللہ الذین اذا ذکر اللہ, اور قرآن مجید نے واضح الفاظ بیان کر دیے ہیں, کاش ہمیں سمجھ آ جائیں۔ قل اباللہ و آیاتی و رسولہ کنتم تستہزئون۔ صحابہ بیٹھے تھے, ایک شخص کہتا ہے, یہ ما هؤلاء القراء اجبننا عند اللقاء وابطننا, یہ دیکھو بیٹھے ہوئے قرآن پڑھنے والے, جب بھی کوئی جنگ ہوتی ہے سب سے بزدل نظر آتے ہیں, کھانے پینے میں بڑے آگے ہیں۔ صحابی پاس بیٹھے تھے, کہتے ہیں, کذبت لعمر اللہ, جھوٹ کہہ رہے ہو, میں ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب کے بتاتا ہوں کہ یہ صحابہ کے بارے میں جو قرآن پڑھنے والے ان کے بارے میں اس نے زبان کھولی ہے۔ یہ بھاگتا ہوا گیا ہے صحابی خیمے میں, خیمہ تو سامنے نظر آ رہا تھا, یہ ابھی پہنچا نہیں, ہواؤں اور فضاؤں میں تیرتے ہوئے جبریل پہلے پہنچ گئے۔ اور آیت نازل ہوگی, قل اباللہ, اللہ کے ساتھ, وہ آیاتی, اس کی نشانیوں کے ساتھ, وہ رسولی, اس کے رسول کے ساتھ تم مذاق کرتے ہو۔ انہوں نے مذاق اللہ سے کیا تھا؟ نہیں۔ رسول سے کیا تھا؟ نہیں۔ کس سے کیا تھا؟ ان صحابہ سے جو قرآن پڑھنے والے اللہ کی نشانیوں سے کیا تھا۔ فرمایا, لا تعتذروا, تمہارا عذر کیسے قبول ہوگا؟ تمہارے عذر کی ضرورت نہیں۔ قد کفر تم بعد ایمانکم, تم ایمان کے بعد کافر ہو گئے ہو۔
اللہ کے رسول فرماتے ہیں جہاں علم والوں کی توہین ہوئی ارتحلو، اٹھو یہاں سے، بیٹھنا بھی مجھے پسند نہیں ہے۔ اونٹنی پہ بیٹھ گئے، وہ آگے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اننا ہی سوال، اللہ کے رسول ہم تو ویسے گفتگو کر رہے تھے۔ قال قل اب اللہ و آیاتی و رسولی کن تم تستہزیون، تم مذاق کرتے ہو۔ اونٹنی دڑا دی، پتھر اڑ اڑ کے اس بندے کو لگ رہے ہیں، بات سننا پسند نہیں کی کہ تم نے غیبت کی ہے علم والوں کی، قرآن والوں کی۔ میں اس جگہ پہ بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتا جہاں علم والوں کی توہین ہو۔ اس قرآن کی شرح ذرا گھر بیٹھ کے بھی پڑھ لیجئے گا۔ میرے اللہ مالک الملک سے دعا ہے اللہ ہمیں علم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی اولادوں کو قرآن و سنت کا علم سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور علماء کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اللہ تعالی علماء بنائے۔ اور علماء سے مراد العلماء جو عمل کرنے والے ہیں، جن کے قول اور عمل سے دنیا کی راہیں درست ہوں۔ اللہ ہمیں ایسے علماء بنائے جو علماء ربانیین ہیں، جنہوں نے اپنے علم سے بھی دنیا کو مسخر کیا اور اپنے عمل سے بھی زندگی کے اندر رونقیں بخش دیں۔ اللہ ہماری اولادوں کو بھی ایسے علماء بنائے۔ اور دعا کیجئے جو میرے بھائی بیمار ہیں، روحانی یا جسمانی، مولا کریم ان کی بیماریوں کو شفاؤں میں بدل دے۔ کچھ بھائیوں نے گزارش کی ہے ان کے رشتہ دار کوئی بیمار ہیں، کوئی کسی ایکسیڈنٹ میں ہیں، مولا کریم سے دعا کیجئے وہ خیر و عافیت سے اپنے گھروں کو واپس پلٹے، اور جن کی اولادیں، اللہ ان کی اولادوں کو نیک بنائے، دستے بازو بنائے، اور وہ قوم و ملت کا اثاثہ اور سرمایہ بنائے، ان کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ بنائے۔ الہ العالمین جو کسی تنگی میں مبتلا ہے ان کی تنگی کو آسانی میں بدل دے، جو کسی مصیبت میں مبتلا ہے اللہ ان کی مصیبت کو خوشیاں بنا دے۔ الہ العالمین جو بے اولاد ہیں تیرے پاس تو بڑی رحمتیں ہیں، ان کی جھولیوں کو بار رونق بنا دے۔ الہ العالمین جو مقروض ہیں ان کے غیبی خزانوں سے مدد فرما۔ جو بے روزگار ہیں اللہ ان کو تونگر بنا، سب پہ رحمت و برکت کا نزول فرما۔ اللہ سب کو عزت و راحتوں سے نواز دے۔ الہ العالمین سب کو خوشیوں سے نواز دے۔ الہ العالمین سب کو استقامت فی الدین نصیب فرما اور ثابت قدمی نصیب فرما۔ الہ العالمین پوری دنیا میں امت اسلامیہ پہ رحمت کا نزول فرما، اور میرے احباب گرامی جو پاکستان اور ہندوستان سے تعلق رکھنے والے ہیں، الہ العالمین وہاں بھی اپنی رحمت کا نزول فرما اور ہر قسم کے فساد سے دور فرما۔ الہ العالمین اپنی برکتوں کا نزول فرما اور امت اسلامیہ کو بلندیاں نصیب فرما۔ اے اللہ جس طرح آج تیرے گھر میں جمع ہیں ہمیں اپنی جنت میں بھی جمع فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار وصل اللہم وسلم وبارک واکرم وانعم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ Thank you.